सीजे चंद्रचूड ने बताया सरकार और सुप्रीम कोर्ट में अंतर। जज फैसला देते समय जनता की नहीं सोचता, जानिए सीजे चंद्रचूड ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि कोर्ट का फैसला खारिज नहीं किया जा सकता, विधायिका किसी फैसले में कमी को दूर करने के लिए नया नियम बना सकती है। हाल ही में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में सीजीआई ने कोर्ट और कानून से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा जज जब किसी मामले में फैसला देता है तो वे नहीं सोचते कि सरकार और लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। एक चुनी हुई सरकार और न्यायपालिका में यही अंतर होता है। क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं सीजीआई चंद्रचूड ने क्या भारतीय न्यायपालिका में सुधार किया है। और हम सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएससीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जज फैसला देते समय जनता की नहीं सोचता। सीजीआई चंद्रचूड ने कहा कि सरकार ये नहीं कह सकती कि हमें लगता है कि फैसला गलत है और इसलिए हम इसे खारिज करते हैं। चंद्रचूड ने कहा कि सरकार किसी फैसले में कमी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है, लेकिन वह इसे सीधे खारिज नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ये नहीं सोचते कि जब वे मामलों को फैसला करेंगे तो समाज कैसे प्रतिक्रिया देगा, और सरकार की निर्वाचित शाखा और न्यायपालिका के बीच यही अंतर होता है। मामलों में फैसला देते वक्त जज संविधान की नैतिकता से निर्देशित होते हैं, ना कि सार्वजनिक नैतिकता से। सच तो यह है कि जज चुने नहीं जाते, वे हमारी मजबूती होते हैं। अमेरिका और भारतीय कोर्ट में क्या है अंतर। सीजीआई चंद्रचूड ने कहा न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की आयु तय करना संसद का काम है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की कोई आयु निर्धारित नहीं करने का प्रावधान किया है। हम एक अलग मॉडल का पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत के लोगों की अदालत है। इसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों को समझना है। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो करता है वह अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से बहुत अलग है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट साल में 80 केसों पर फैसला सुनाता है, जबकि हमने इस साल 52,000 केस निपटा दिए हैं।